हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ इंग्लिश। सी दिस बुक इंग्लिश फेरी। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट दिस बुक। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेजी माउस श्रिंकिंग क्लोथ्स। ओके, ये एक माउस की स्टोरी है जिसके क्लोथ्स जो है वो श्रिंक हो रहे थे। श्रिंकिंग मीन्स छोटे हो रहे थे। ओके, श्रिंकिंग क्लोथ्स। अब एक्चुअल फैक्ट जो होता है, क्लोथ्स छोटे होते हैं क्या? नहीं, क्लोथ्स की साइज़ जो है, कपड़ों की साइज़, वो तो जैसे ही जैसे की वैसी रहती है। हम बड़े छोटे होते हैं, करेक्ट ना? ओके, फर्स्ट सी द वार्म अप। लुक एट द पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स, टिक योर फेवरेट फूड आइटम। यहाँ बहुत सारे फ्रूट आइटम्स दी है, देखो आपको ये फ्रूट आइटम्स के नेम लिखना है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, फर्स्ट वन, व्हाट इज इट? पिज्ज़ा, यस। ओके, सेकेंड इज डोसा, थर्ड इज फ्रूट्स। ऐसे आपको पूरे ये जितने फूड आइटम्स यहाँ दिए हैं इसके नेम्स लिखने हैं, एंड यू हैव टू टिक, आपको टिक करना है आपका फेवरेट कौन सा है उसमें से। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ रेजी माउस हु ओनली एट चीज। अब नाउ टेक अ पेंसिल इन योर हैंड, एंड जैसे जैसे मैं लेसन रीड करूँगी आई विल मार्क द हार्ड वर्ड्स। तो आपको भी हार्ड वर्ड्स मार्क करने हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको 5-5 टाइम्स हार्ड वर्क आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ रेजी माउस हु ओनली एट चीज़। एक माउस की स्टोरी है, वो सिर्फ चीज़ खाता था। चीज़ आपको पता है ना? यस, चीज़ पे अंडरलाइन करो, रेजी पे अंडरलाइन करो। ओके, रेजी माउस लव चीज़। He ate cheese for breakfast, lunch and dinner. रेजी माउस को ना चीज़ बहुत पसंद था, देखो चीज़, और वो दिन भर चीज़ खाता था। He ate cheese in the breakfast, lunch, dinner. Means breakfast में, lunch में, dinner में, तीनों time वो सिर्फ क्या खाता था? चीज़ खाता था। रेजी's mother, Rita Mouse, was worried. अब रेजी माउस की मम्मी का नाम क्या था? रीटा। एंड शी वॉज वेरी वरीड। वरीड मीन्स उसको बहुत फिकर होती थी, बिकॉज रेजी माउस ओनली एट चीज़, वो सिर्फ चीज़ खाता था, कुछ हेल्दी फूड्स नहीं खाता था। इसीलिए रेजी, इट इज़ नॉट फाइन टू ईट चीज़, बट यू शुड ऑल्सो ईट हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ब्रेड, चिकन एंड फिश। तो व्हाट डिड हिज मदर सेड? कि ठीक है, आप चीज़ खाते हो वो ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ साथ हेल्दी फूड्स भी खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ब्रेड, चिकन एंड फिश। रेजी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हर मदर। बट रेजी को उसकी मम्मी को सुनना ही नहीं था, वो सुनता ही नहीं था उसकी मम्मी की। No way, mom. I love cheese. I will not eat anything else. और वो उसकी मम्मी को क्या बोलता था? कि मुझे सिर्फ चीज़ पसंद है और मैं चीज़ ही खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। And actually it is wrong. हमको हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, करेक्ट ना? See the next. A few months later, Reggie Mouse was getting ready. Suddenly all the buttons on the shirt went pop, pop, पॉप। अभी देखो फर्स्ट पिक्चर में, देखो रेजी माउस कैसे दिख रहे हैं, एकदम थिन है, और चीज़ खा खा के थोड़े महीनों बाद रेजी माउस ऐसा हो गया है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो तैयार हो रहा था और शर्ट पहनने लगा। अब शर्ट पहनते से उसकी शर्ट, वो जब बटन लगाने गया तो शर्ट के जो सारे बटन है पॉप 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 करके नीचे टूट गए। क्यों टूट गए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था। देखो
है ना, और उस वजह से उसको कपड़े जो है वो फिट नहीं आ रहे थे, और हम ज़बरदस्ती अगर कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे तो कपड़े या तो फट जाते या तो फिर बटन्स उसके टूट जाते हैं। रेजी वॉज वेरी सरप्राइज, उसको थोड़ा सा ऐसा सरप्राइज हुआ, ओ नो माई शर्ट हैज़ श्रंक। अब वो क्या बोलता है, ओ नो मतलब मेरे जो कपड़े हैं वो श्रंक हो गए, छोटे हो गए मेरे कपड़े। एंड देन हिज ट्राउजर्स वेंट रिप रिप रिप, ओ नो माई ट्राउजर्स हैव ऑल्सो श्रंक टू। फिर उसने उसके ट्राउजर्स पहनने की ट्राई की, लेकिन ट्राउजर्स भी रिप 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 करके फट गई। तो वो क्या बोलता है कि मेरी जो ट्राउजर्स है वो भी क्या हो गई, श्रंक हो गई, छोटी हो गई। एक्चुअली उसके कपड़े छोटे हुए थे क्या, नहीं, वो फैट हो गया था चीज़ खा खा के, है ना। रेजी माउस रैन टू हिज कबर्ड एंड ट्राइड ऑन ऑल हिज क्लोथ्स, पॉप 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 वेंट ऑल द बटन्स ऑफ द शर्ट्स, रिप 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 वेंट ऑल हिज ट्राउजर्स, ओ नो ऑल माई क्लोथ्स हैव श्रंक, व्हाट कैन आई डू। अब रेजी माउस जो है कबर्ड के पास जाता है और देखो वो सब एक एक करके उसके कपड़े ट्राई करता है, लेकिन सबके शर्ट्स के बटन टूटते जाते हैं और पैंट जो है उसकी ट्राउजर्स जो है वो फटते जाती है। रीटा माउस हर्ड हर सन क्राइंग, शी क्विकली वॉक्ड इनटू हिज बेडरूम। अब ये सब चीज़ें होने के बाद जो रेजी माउस है वो क्राइंग रोने लगता है, तो उसकी आवाज़ सुन के जो उसकी मदर है रीटा वो उसके पास आती है बेडरूम में और पूछती है, रेजी व्हाई आर यू क्राइंग एंड व्हाई आर योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। अब उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो आप और आपके जो क्लोथ्स हैं सब कपड़े हैं वो ज़मीन पर क्यों पड़े हुए हैं। तो रेजी आंसर देता है, ओ मम इट्स अ फुल My clothes have all shrunk। वो उसकी मम्मी को क्या बोलता है, मेरे जो कपड़े हैं वो सब क्या हो गए, छोटे हो गए हैं। I think I know what we can do to unshrink them। Reggie, you must begin eating healthy foods like fruits, vegetables, cereals, bread, fish and chicken। उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे पता है आपके क्लोथ्स अनश्रिंक कैसे कर सकते हैं, मतलब वापस से उनको बड़े कैसे कर सकते हैं। तो उसकी मम्मी क्या आइडिया देती है कि आप हेल्दी फूड्स खाना चालू करो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ब्रेड, फिश एंड चिकन, और चीज़ खाना बंद करो। दैट नाइट रेजी माउस हैड सूप That night Reggie Mouse has soup, carrots, spinach, grapes for dinner। उस रात Reggie Mouse ने क्या किया, healthy food खाए, carrots खाए, spinach, spinach पता है आपको students, पालक, grapes for dinner। And in a short time Reggie's clothes unshrunk। और बहुत ही छोटे टाइम में क्या हुआ, रेजी माउस के जो कपड़े थे वो वापस से उसको फिट आने लग गए, वो वापस से उसको पहनने लग गया। ये स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिलता है स्टूडेंट्स, दैट यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, सब्जी रोटी खाना चाहिए, दाल चावल खाना चाहिए, नॉट के जंक फूड्स जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चीज़। ओके यू ईट दैट, आप वो खा सकते हो बट Only a limit। और जब खाने का टाइम है you always have to eat healthy food। जैसे रेजी माउस ने खाया और हेल्दी फूड खाने के बाद वो कैसा हो गया वापस से, फिट एंड फाइन। नाउ सी स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी मार्क द हार्ड वर्ड्स, करेक्ट, हार्ड वर्ड्स हमने ऑलरेडी मार्क किए हैं। इन अ 200 पेजेस इंग्लिश बुक यू हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स 5 times। 5 times आपको हार्ड वर्ड्स आपकी 200 पेजेस की बुक में लिखना है। फर्स्ट पुट द हेडिंग, लेसन का नेम, देन हार्ड वर्ड्स एंड ईच वर्ड 5 times। नाउ सी द पेज नंबर 6, चूज द करेक्ट आंसर। रेजी माउस लव टू ईट, रेजी माउस को क्या पसंद था, ओनली चीज़।
रेजी माउस वॉज हिज, सॉरी रीटा माउस वॉज हिज, रीटा कौन थी उसकी मदर. ईटिंग चीज मेड रेजी माउस, चीज खा खा के रेजी माउस कैसा हो गया था फैट. सून रेजी माउस क्लोथ्स बिकेम टू टाइट. इन ऑर्डर टू अनस्ट्रिंग द क्लोथ्स रेजी माउस स्टॉप्ड ईटिंग चीज. ओके स्टूडेंट्स, सी टिक द करेक्ट ऑप्शन. यू ऑल्सो हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक प्लस नोटबुक. ये आपको टेक्स्ट बुक में भी टिक करना है और नोटबुक में भी लिखना है. नोटबुक में यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.